उदाहरण नंबर है 6 और चैप्टर है 2 क्लास 10 से लिया गया, बहुत इजी है कि x प्लस 2 से डिवाइड करना है इसको, x प्लस 2 से डिवाइड देना है इसको। तो डिवाइड देने से पूर्व तुम्हें देखना होता है क्वेश्चन कि क्वेश्चन जो है वो किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, डिसेंडिंग मतलब समझ रहे हो ना कि घटते क्रम में है या नहीं, डिग्री पावर घटते क्रम में होगा तो एज इट इज जैसा क्वेश्चन है वैसे लिख देना, अदरवाइज तुम अरेंज कर लेना, आसान होगा सुविधा होगा। अब देखो पावरफुल सबसे कौन लग रहा है इस लिस्ट में, सबसे ज्यादा ताकत वाला कौन है, जिसके पावर में डिग्री ज्यादा वो सबसे ज्यादा पावरफुल, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है यहाँ पर, 2x² सबसे ज्यादा पावर वाला है, जबकि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, ये है, क्योंकि इसके पास x है लेकिन इसके पास x तो है लेकिन दिख नहीं रहा है, यानी x पावर 0 है, यहाँ x पावर क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिवाइड में डालेंगे हम लोग x, तरीका आसान होता है इसे लिखने से। अब देखो x के टेबल में कितना टाइम्स ये आएगा खुद पता चलेगा, ये से ये कट गया, बच गया क्या चीज यहाँ से 2x, जो बच्चा को ऐसे भी नहीं समझ आता बच्चा ऐसे ही लिखेगा, एक्स स्क्वायर को लिखेगा 2 × x × x, डिवाइड में क्या है x, अब ये कोई x से x कट गया बच गया क्या चीज 2x, यानी हम लोगों को x प्लस 2 का टेबल करना है कितना टाइम्स 2x टाइम, x प्लस 2 का टेबल अगर हम लोग 2x टाइम्स पढ़ते हैं तो ध्यान से देखना, जिसको ऐसे नहीं समझ आता वो ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई 2x, तो 2x को x से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2×2 = 4x, दो दूनी 4, तो कितना टाइम्स लगा दिए हम लोग 2x टाइम्स लगा दिए, तो 2x टाइम्स लगाने पर क्या आ गया यहां से देखो रिजल्ट, 2x पर पावर 2 आ गया प्लस का 4x आ गया, है ना, ये प्लस का चिन्ह तो यहां लगता है माइनस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह तो लगता है माइनस का चिन्ह, मन में क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा होता है, तो डिवाइड में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं किसी भी चीज को, तो घटाने के क्रम में क्या होता है ध्यान समझना, अगर 3x में से 4x घटाने चले तो प्लस का चिन्ह माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, घटाएंगे तो, और घटाव का चिन्ह होगा तो क्या होगा, घटाव को फिर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाव घटाव जुटाव हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा प्लस आ जाएगा, यहाँ देखो ये सी हो गया कैंसिल। अब देखो 3 गरीब है और ये अमीर है, अमीर गरीब से भीख मांगा सर्व से झुका, माइनस का चिन्ह आ गया, 4 में से 3 जाना था, माइनस का चिन्ह इसलिए लगा क्योंकि 4 बड़ा था, उसके सामने चिन्ह क्या चीज था, नहीं माइनस का था, तो बड़का के सामने जो चिन्ह वही छाप उखड़ेगा, तो माइनस एक्स और प्लस यहाँ से 1। अब देखो कितना टाइम्स क्या पढ़ना पड़ेगा, अब दोनों सेम पावर में है ना, एकदम सेम पावर में, तो माइनस एक्स पुराना है किसके टेबल से, एक्स के टेबल से, तो डिवाइड में डाल दिए एक्स कट जाएगा, x 1 जा x माइनस 1 कितना आ गया माइनस 1, तो माइनस 1 से लगा दिए, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस या माइनस है तो प्लस, ये से ये कैंसिल, 2 और 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, तो पता चल गया ना यहाँ पर भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, ठीक है, तो भाज्य तो खुद ये होता है, भाजक खुद ये होता है, भागफल ये होता है और ये शेषफल होता है, तो इस प्रकार यह क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, तुम लोग चाहो तो इसको कर सकते हो नोट, और मन करे तो इसको लिख भी सकते हो, यहाँ पर जो जो डाटा है जैसे ये लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर भाग का जो फल मिला है वो क्या मिला, भाग देने पर फल मिला गया 2x - 1, जबकि शेषफल का बात करेंगे तो शेषफल क्या मिला हमें, तो 3 मिला, एक और मन में विचार आएगा कि ये बनाए है सही या गलत, तो उसके लिए तुम लोग क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगा उसको इससे जोड़ देना, ये मिल जाएगा क्योंकि फॉर्मूला पढ़े हम लोग, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, उससे तुम इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, हालांकि क्वेश्चन में बोल नहीं रहा था चेक करने के लिए, एग्जाम में बनाएंगे सही है या गलत तो हम लोग जांच कर सकते हैं, रोक नहीं, चलो इसको करो नोट।